नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में गुरुवार को एक बार फिर आतंकियों ने बाहरी लोगों को अपना निशाना बनाया। बिहार के रहने वाले तीन प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों की पहचान अनमोल कुमार, हीरालाल यादव और पिंटू कुमार ठाकुर के रूप में हुई है। इसकी जानकारी जम्मू पुलिस ने दी है। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बल ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 जुलाई को प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन JKLF और हुर्रियत को फिर से एक्टिव करने के लिए काम कर रहे 10 आतंकियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि ये आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने मालिकों के ऑर्डर पर मीटिंग कर रहे थे। ये विदेशी संस्थाओं के संपर्क में थे। इनमें से कुछ लोग JKLF के फारूक सिद्दीकी और राजा मुजफ्फर की अध्यक्षता वाले कश्मीर ग्लोबल काउंसिल जैसे अलगाववाद का प्रचार भी करते थे। जम्मू कश्मीर में आर्मी और पुलिस ने पिछले महीने में 11 आतंकियों को ढेर किया। 23 जून को कुपवाड़ा में 4 आतंकी मार गिराए।